ए अर्जुन बाहर आ। अर्जुन अरे तुझे बैटिंग के लिए जाना है, कोच चिल्ला रहा है जल्दी कर यार। वो तुम्हें बुला रहा है, जाओ। एक गुड लक किस। ठीक है अब जाओ। गो। क्या कर रहा है भाई, कोच चिल्ला रहा है जल्दी कर। उसे ठसका लग गया था यार, पेट थपथपा रहा था। तो ये है अच्छे बैट्समैन होने का राज, ऐसा वार्म अप मिले तो मैं भी अच्छा खेल लूं। अभी अज्जू थोड़ा आहिस्ते बोलना, हटेली खोपड़ी है वो। क्यों, वो मुझे मारेगा? अरे कौन चिल्ला रहा है यार, छोड़। बैटिंग है जाने दो, छोड़। जल्दी चल यार, छोड़ दे। अरे कोच इंतजार कर रहा है तेरा। चले अर्जुन, मार डालेगा क्या होगा, छोड़ इसे, छोड़ इसे, अरे मर जाएगा वो। पागल है यार, कोच बहुत गुस्से में, चल जबरदस्ती बीच में आ गया। शाम को मिलते हैं। ये कभी नहीं सुधरने वाला। अच्छा प्लेयर है तो क्या हुआ, डिसिप्लिन नाम की कोई चीज है कि नहीं, तुम हमेशा उसकी साइड लेते हो। अरे कुछ बोलो ना उसको। माना कि तेरे अंदर टैलेंट बहुत है लेकिन कमियां भी बहुत हैं। लापरवाह लोगों को कामयाब होते मैंने कभी नहीं देखा। दोबारा ऐसा कुछ करते देखा ना तो बख्शूंगा नहीं तुझे। चल जा। क्या यार, कहां था इतनी देर से? चल हट। टैलेंटेड लोगों में टैलेंट के साथ कीड़ा होना जायज है, लेकिन चलता है। मैंने पूरे करियर में ऐसा खिलाड़ी नहीं देखा। शक्ति बात है छोकरे में। पापा मुझे किसी से प्यार हो गया है, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है बाबू। ए छोटू। हाँ भाई। सॉस ले गया? मैं सीरियस बात कर रही हूँ, तुम्हें सॉस की पड़ी है? अच्छा बोलो। मैंने डैडी को सब कुछ बता दिया। सब बता दिया? ये क्या इतना नॉर्मल रिएक्शन? नॉर्मल लगा? सब बता दिया? ओवर एक्टिंग मत करो, मैं सीरियसली बात कर रही हूँ। डैडी से बात तो करनी ही पड़ेगी, नहीं तो हम दोनों का मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। रोज रोज इस तरह झूठ बोल के नहीं आ सकती मैं। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उन्हें शादी के लिए मना पाऊँ। तुम अगर बात करोगे तो वो जरूर मान जाएंगे। समोसा गरम है, सॉस के साथ खाओ। पी लो इसे। तुम जिंदगी में कभी सीरियस नहीं हो सकते हो। इतनी इम्पोर्टेंट बात के बीच में तुम्हें समोसा और टमेटो सॉस की पड़ी है। मेरी तरफ देखो। नो। देखो ना मेरी तरफ। नो। मेरी बात सुनो। समोसे ठंडे हो रहे हैं, दोनों मिलके खा ले। अर्जुन। आजा। नो, इस लड़के से तुम्हारा मैरिज नहीं होएगा। पापा आप उसे जानते तक नहीं है, एक मौका तो दीजिए उसे। सारा, अगर तुम दूसरे धर्म के लड़के के साथ शादी बनाएगा तो हमारा सोसाइटी क्या बोलेगा? डिसूजा साहब, हम पढ़े लिखे लोग हैं, धर्म और समाज इंसान को अकेलेपन से बचाने के लिए होते हैं। गुस्से में गलत फैसला मत लीजिए। और अर्जुन का कोई कैसे नहीं है, मैं उसके पिता जैसा ही हूँ। उसको बोलो कन्वर्ट हो जाए। नहीं पापा, वो नहीं होगा। नो, वो जैसा है मैं उसे वैसा ही पसंद करती हूँ। सारा, मैं नहीं चाहती कि वो कन्वर्ट हो। नो नो नो, इतना गुस्सा क्यों हो रही?
एक तरह से देखा जाए तो पापा भी अपनी जगह सही है। तुम इसका पीछे इतना पागल काहे को है? ये सिर्फ एक लोकल प्लेयर है और कुछ नहीं। इसका अंदर अगर टैलेंट होता तो आज ये नेशनल टीम में होता। क्या बकवास कर रहे हैं आप? अर्जुन को खेलते हुए कभी देखा है आपने? दिमाग तो ठीक है ना आपका? क्रिकेट के बारे में क्या जानते हैं? ये सर क्या है? सर छोड़ो यार, सर जोर रहे हैं, इंसल्ट करना कभी। सारा तुम किधर जाता है? वेट, ये लो। ये वाह भाई, अब से मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा। लेकिन तुम क्रिकेट कैसे छोड़ सकते हो? वो तो तुम्हारी जान है। नहीं सारा, क्रिकेट नहीं, तुम मेरी जान हो। ये लो, जाके चेकिंग करो। ठीक है साहब। ज्यादा प्यार किससे? इससे या मुझसे? तुमसे। Happy birthday। जाग जाएगा। थैंक यू। लॉयर के पास चले जाना, प्लीज मत भूलना। आजकल तुम लोगों की बहुत सी कंप्लेंट्स आ रही हैं। आखिर ये सब क्या हो रहा है? गुड मॉर्निंग सर। तुम्हारी शिफ्ट का टाइम क्या है? 8 o'clock सर। और अभी कितने बजे हैं? आई एम सॉरी सर, कल रात लाइट चली गई थी। तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम से मुझे कोई मतलब नहीं है। वक्त पर नहीं आ सकती हो तो जॉब छोड़ दो। मुझे ये फालतू के बहाने बिल्कुल पसंद नहीं है। ओके सर। ऑल ऑफ यू गेट बैक टू वर्क। जाने दो सारा, पता है ना सर कैसे हैं। हाँ। चलो। क्या बात है, तू इतनी उदास क्यों लग रही है? कुछ नहीं, बस आजकल मैं अर्जुन से छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करने लगी हूँ। पहले गुस्सा करती हूँ, फिर चिल्लाती हूँ और फिर बाद में पछताती हूँ। काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट, किशमिश, भाई सब है तेरे मसाला मिल्क में। तू तो बहुत लकी है। 2 साल से बेरोजगार हूँ। कोर्ट के चक्कर में चट्टी भी बिकने वाली है। नया काम शुरू करने की उम्र नहीं रही। और 4 टुकड़े ड्राई फ्रूट के मिलने पर तू बोलता मैं लकी हूँ? लकी नहीं बोलो तो और क्या बोलो, मेरे में तो सिर्फ छिलके आए। अच्छा, थोड़े पैसे चाहिए थे यार। अगले महीने तुझे दे दूंगा। भाई मेरे से ऐसी कोई झूठी उम्मीद मत रख, तू भिखारी के पास मिल जाएगा। मेरे पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। तो ये मसाला मिल, इसके पैसे नहीं तेरे पास? नहीं है तो नहीं है, झूठ क्यों बोलूंगा बे? मेरे बाप ने क्या घर पे मनी प्लांट लगाया है? पापा सही बोलते हैं, सारे दोस्त पैसों के भूखे होते। पहले का तो दिया नहीं अभी तक। वकील सर, इंतजाम हुआ कि नहीं? नहीं हो पाया। फिर काहे आए हो? मदद मांगने। इसे देख रहे हो, आज असिस्टेंट ज्वाइनिंग किया है। पुराना असिस्टेंट जो है प्रेग्नेंट हो चुका है, छुट्टी पर है। अरे हमने कुछ नहीं किया, शादी शुदा ठीक नहीं वो भी पता नहीं है। नहीं, ये बात इसलिए बता रहे हैं कि जिस दिन वो लड़की ज्वाइन हुई थी उसी दिन ये केस लाया था। तभी कहा था 50,000 अरेंज करके लाओ, तुम्हारा जॉब तुमको वापस दिला देंगे। 2 साल से कह रहे हैं, ईमानदार है ना, चक्कर काटते रहो बेटा। सर ईमानदारी के अलावा इसके पास और कुछ नहीं है सर, प्लीज आप। पर पैसे किस बात के दो सर, मैं तो बेकसूर हूँ। लगता पैसे अकेले हम खाएंगे? कुछ नहीं बचेगा, पुलिस को देना है, ऑडिटर, इंस्पेक्टर साहब, चपरासी तक को देना पड़ेगा। हमारे पास चिल्लर बचेगा? भिखारी हैं हम। अरे तोरे साथ वाले जितने भी लोग हैं सब के सब आराम से जॉब कर रहे हैं। ईमानदारी का मुंह काला, बेईमानी का बोलबाला, समझ गए कि नहीं? समझ गए। कहा समझे? रिश्वत के इल्जाम की वजह से इसकी जॉब गई थी सर, अब जॉब वापस लेने के लिए भी इसे रिश्वत देनी पड़ेगी। पैसा हो ना हो लेकिन चर्बी बहुत चढ़ा है, नौकरी की जरूरत है। 10 साल के अंदर 3 प्रधानमंत्री बदल गए हैं,
अरे उनके जॉब का पता नहीं है, तुम का चीज हो।